एम बाइबल क्विज इस्टर स्पेशल के साथ मैं हूँ मीरब जैस्पर और आज हमारे साथ मौजूद हैं कैंट पेरिस से बाइबल स्कूल के बच्चे। प्यारे बच्चों, आज मैं सबसे पहले आपको इस्टर की ढेरों खुशियाँ मुबारक कहती हूँ और आपकी ही भरपूर तालियों में कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज के इस बाइबल क्विज प्रोग्राम में 3 राउंड होंगे जिसमें 5-5 सवालात पूछे जाएंगे। जो टीम ज्यादा जवाब देगी वो आज की विनर टीम होगी। तो आज के इस बाइबल क्विज प्रोग्राम के पहले राउंड का पहला सवाल टीम ए से। सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप हटते ही कौन कौन सी खवातीन यीशु की कब्र पर आईं? मरियम मजदलेनी और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। तो पहले राउंड का पहला सवाल टीम बी से। जब खुदावन के फरिश्ते ने कब्र से पत्थर हटा दिया तो वो कहाँ बैठ गया? वो पत्थर पर बैठ गया। वेरी गुड टीम बी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। तो मेरे पहले राउंड का दूसरा सवाल टीम ए से। जो फरिश्ता आसमान से पत्थर हटाने के लिए आया, इसकी पोशाक कैसी थी? इसकी पोशाक बर्फ सी सफेद थी। वेरी गुड टीम ए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। तो मेरा टीम बी से पहले राउंड का दूसरा सवाल। जब आसमान से फरिश्ता आया तो कब्र के निगहबानों की हालत कैसी हो गई? निगहबान कांप उठे। वेरी गुड टीम बी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। तो मेरे पहले राउंड का तीसरा सवाल टीम ए से। फरिश्ते ने औरतों से खिताब कर कर कहा जो यीशु के कब्र पर आईं, तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम खुदा को यीशु मसीह को ढूंढती हो जो मसलूब हो गया था, वो या नहीं वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। वेरी गुड टीम ए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। तो मेरे पहले राउंड का तीसरा सवाल टीम बी से। जो खवातीन कब्र पर आई थी उन्होंने यीशु मसीह के जी उठने की गवाही किसको दी? शागिर्दों को। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। तो मेरा टीम ए से पहले राउंड का चौथा सवाल। यीशु जिंदा होने के बाद सबसे पहले किस जगह पर गया? जलील को। वेरी गुड टीम ए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। तो मेरे पहले राउंड का चौथा सवाल टीम बी से। यीशु जिंदा होने के बाद औरतों को मिला तो इनसे क्या कहा? यीशु ने इन्हें सलाम किया। वेरी गुड टीम बी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। तो पहले राउंड का पांचवा सवाल टीम ए से। यीशु ने औरतों से कहा मेरे भाइयों को खबर दो मैं उन्हें मिलूंगा, कहाँ? जलील में। वेरी गुड टीम ए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। मेरा पहले राउंड का आखिरी सवाल टीम बी से। सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने पैरेदारों के साथ मिलकर यीशु मसीह के जी उठने के मुतालिक क्या मशवरा किया? मैं अपना सवाल फिर दोहराती हूँ। सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने पैरेदारों के साथ मिलकर यीशु मसीह के जी उठने के मुतालिक क्या मशवरा किया? उसके शागिर्द उसे आकर चुरा ले गए हैं। टीम बी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। दोनों टीमों ने पहले राउंड के सारे सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। दोनों टीमें अपने लिए भरपूर तालियां बजाएं। तो मेरे दूसरे राउंड का पहला सवाल टीम ए से। यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले किसको दिखाई दिया? मरियम मजदलील को। वेरी गुड टीम ए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। तो मेरे दूसरे राउंड का पहला सवाल टीम बी से। जब मरियम मजदली और मरियम सुलोमी कब्र के अंदर गईं तो इन्होंने क्या देखा? एक नौजवान जो सफेद लिबास पहने दाहिने तरफ बैठा था। वेरी गुड टीम बी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। तो मेरे दूसरे राउंड का दूसरा सवाल टीम ए से। मरियम मगदलीन से यीशु ने कितनी बदरूहें निकाली? 7 बदरूहें। वेरी गुड टीम ए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां।
तो मेरे दूसरे राउंड का दूसरा सवाल टीम बी से, यीशु मसीह कितने दिनों बाद मुर्दों में से जी उठे? तीसरे रोज। वेरी गुड टीम बी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। तो मेरे दूसरे राउंड का तीसरा सवाल टीम ए से, जब औरतों ने यीशु मसीह के जी उठने की खबर शागिर्दों को दी तो इन्होंने यकीन किया? नहीं। वेरी गुड टीम ए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। तो दूसरे राउंड का तीसरा सवाल टीम बी से, यीशु मसीह शागिर्दों को जिंदा होने के बाद किस राह पर मिला? अमावस की राह पर। वेरी गुड टीम बी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। तो दूसरे राउंड का चौथा सवाल टीम ए से, अमावस यरूशलम से कितने फासले पर है? जो यरूशलम से तकरीबन 60 गलवा दूर है। वेरी गुड टीम ए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। तो टीम बी से दूसरे राउंड का चौथा सवाल, दो शागिर्द जो अमावस की राह पर चल रहे थे वो आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे थे? यीशु मसीह के साथ तमाम होने वाले वाकयात की बातचीत कर रहे थे। वेरी गुड टीम बी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। तो टीम ए से मेरे दूसरे राउंड का पांचवा सवाल, अमावस की राह पर जो दो शागिर्द यीशु से बातें करते उन्होंने यीशु को कब पहचाना? जब यीशु ने रोटी ली और बरकत देनी चाही और शागिर्दों को देने लगा तब उन्होंने यीशु को पहचाना। वेरी गुड टीम ए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। तो दूसरे राउंड का पांचवा सवाल टीम बी से, जब यीशु मसीह ने जी उठने के बाद शागिर्दों को मिला तो इन्होंने क्या महसूस किया? हम किसी रूह को देखते हैं। वेरी गुड टीम बी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। तो हमारा दूसरा राउंड खत्म होता है और हमारे दोनों टीमों ने अपने सारे सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। दोनों टीमें अपने लिए भरपूर तालियां बजाएं। तो तीसरे राउंड का पहला सवाल टीम ए से, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो, मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, आयत मुकम्मल करें। क्योंकि रूह में गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हैं। वेरी गुड टीम ए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। तो मेरे तीसरे राउंड का पहला सवाल टीम बी से, जब यीशु मसीह जिंदा होने के बाद शागिर्दों के पास आया तो इन्हें क्या दिखाया? अपने हाथ और अपने पांव। वेरी गुड टीम बी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। तो तीसरे राउंड का दूसरा सवाल टीम ए से, जब यीशु मसीह जिंदा होने के बाद शागिर्दों के पास आया तो यीशु मसीह को कौन सी चीज खिलाई? भुनी हुई मछली का टुकड़ा। वेरी गुड टीम ए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। तो तीसरे राउंड का दूसरा सवाल टीम बी से, शागिर्द कब नविश्तों को समझने लगे? जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनका ज़हन खोला। वेरी गुड टीम बी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। तो मेरे तीसरे राउंड का तीसरा सवाल टीम ए से, जब मरियम मजदली ने यीशु से यीशु के मुतल्लिक ही पूछा तो इसे क्या समझी? बागबान। वेरी गुड टीम ए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो तीसरे राउंड का तीसरा सवाल टीम बी से, जब दरवाजा बंद था तो यीशु मसीह हफ्ते के किस दिन शागिर्दों के पास आया? हफ्ते के पहले दिन। वेरी गुड टीम बी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। तीसरे राउंड का चौथा सवाल टीम ए से, जब यीशु मसीह शागिर्दों के पास आया जब वो जमा थे तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम पर सलामती हो। वेरी गुड टीम ए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। तीसरे राउंड का चौथा सवाल टीम बी से, जब यीशु मसीह शागिर्दों से मिलने आया तो कौन सा शागिर्द मौजूद ना था? तोमा रसूल। वेरी गुड टीम बी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां।
तो तीसरे राउंड का आखिरी सवाल टीम ए से, हम ईस्टर कब मनाते हैं? इतवार के दिन। वेरी गुड टीम ए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। तो तीसरे राउंड का पांचवा सवाल टीम बी से, हम ईस्टर क्यों मनाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। वेरी गुड टीम बी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। तो दोनों टीमों ने अपने तीनों राउंड के सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। मैं चाहूंगी दोनों टीमें अपने लिए भरपूर तालियां बजाएं। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ईस्टर स्पेशल प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आखिर में मेरी तरफ से और दोनों टीमों की तरफ से आपको ईस्टर के ढेरों खुशियां बहुत मुबारक हों। गॉड ब्लेस यू।